हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा छह जगत वर्गीकरण पद्धति, और साथ ही साथ मैं आपको और कुछ नया बताने वाला हूँ इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। छह जगत वर्गीकरण पद्धति, जिसको हम कहते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बात यहां पर यह है कि हम जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, वो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस वैज्ञानिक ने दिया था, क्यों दिया था और कैसे उन्होंने बताया छह जगत वर्गीकरण पद्धति भी होती है। ठीक है, अब बेटा अगर हम छह जगत वर्गीकरण पद्धति की बात करते हैं तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि छह जगत वर्गीकरण पद्धति के पहले पांच जगत वर्गीकरण पद्धति भी आया था, जिसे आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। उसके पहले चार जगत वर्गीकरण पद्धति आया था, फिर तीन जगत वर्गीकरण पद्धति भी आया था, दो जगत वर्गीकरण पद्धति भी आया था। तो हमने एक सीरीज क्रम से, एक सीरियल वाइज से पढ़ा सभी को, जहां पर हमने दो जगत वर्गीकरण पद्धति को देखा, समस्त जंतुओं को, समस्त पौधों को दो अलग अलग भागों में रखा गया, पादप और जंतु में रखा गया। फिर इसके बाद हमने तीन जगत वर्गीकरण पद्धति को देखा, जहां पर पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को तीन भागों में रखा गया। ठीक है, प्रोटोकिस्टा, ठीक, मेटाफाइटा, मेटाजोआ में रखा गया। फिर उसके बाद यहाँ भी काम नहीं बना, यहाँ भी बात नहीं बनी, वर्गीकरण की श्रेणियां, वर्गीकरण के क्रम जो है वो आगे ही बढ़ते रहने जा रहे थे। जहां पर हमने तीन जगत वर्गीकरण के बाद चार जगत वर्गीकरण को देखा, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत मेटाजोआ, जगत मेटाफाइटा देखा। फिर इसके बाद भी हमें संतुष्टि ना मिली, वैज्ञानिकों को संतुष्टि ना मिली, तो उन्होंने वर्गीकरण की सीरीज को और आगे बढ़ाया, जहां पर इस चार जगत वर्गीकरण को उन्होंने पांच भागों में बांटा। ठीक है, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और पौधों से उन्होंने कवक को अलग किया, जगत कवक, जगत पादप और जगत जंतु में उन्होंने बांटा। फिर ये हमारा पांच जगत वर्गीकरण पद्धति रह गया। अब बात आती है छह जगत वर्गीकरण पद्धति। तो सबसे पहले पांच जगत वर्गीकरण पद्धति के हम नाम जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम जानेंगे कि छह जगत वर्गीकरण पद्धति जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है। देखिए, अगर हम छह जगत वर्गीकरण पद्धति के देने वाले वैज्ञानिकों की बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं छह जगत वर्गीकरण पद्धति के जनक की बात करते हैं, फादर की बात करते हैं, तो यहाँ पर कार्ल पूज आते हैं, कैंडलर आते हैं और विलिस आते हैं। और इन तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर के सन 1990 ईस्वी में छह जगत वर्गीकरण पद्धति का सृजन किया था। कौन कौन? कार्ल पूज, कैंडलर, कैंडलर तथा विलिस, था विलिस ने सन 1990, ठीक है, सन 1990 ईस्वी में, 90 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में छह जगत वर्गीकरण पद्धति, छह जगत वर्गीकरण पद्धति का सृजन यानी कि निर्माण किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको कि 1990 ईस्वी में कार्ल पूज, कैंडलर तथा विलिस नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मिलकर के छह जगत वर्गीकरण पद्धति का सृजन यानी कि निर्माण किया। अब बात आती है कि छह जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से जगत को रखा गया है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा पांच जगत वर्गीकरण पद्धति था, जो कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। अब
इस वर्गीकरण पद्धति में क्या है, आर एच विटेकर साहब की वर्गीकरण पद्धति में पांच जगत आते हैं। पांच जगत में आता है जगत मोनेरा, जगत मोनेरा इसको किंगडम मोनेरा कहते हैं। उसके बाद आता है जगत प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद आता है कि जगत कवक यानी कि किंगडम फंजाई। अगली आती है जगत पादप जिसको हम कहते हैं किंगडम प्लांटी। फिर लास्ट में आती है जगत जंतु जिसको हम कहते हैं किंगडम एनिमालिया। ये पांच जगत वर्गीकरण पद्धति का जगत है पांच टू। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु। इतना समझ में आया। अब इन तीन वैज्ञानिकों ने कार्लोस कैंडलर और विलिश ने क्या किया था, कोशिका भित्ति की जो उपस्थिति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है या किसी अन्य पदार्थ की बनी होती है, उसके अंदर जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है वो शाखित होती है यानी कि शाखा युक्त होती है या शाखा युक्त नहीं होती है। उस आधार पर इन्होंने क्या किया कि आर एच विटेकर द्वारा दिए गए पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो जगत मोनेरा था उसके अंदर पाए जाते थे जीवाणु। ठीक है, जीवाणु पाए जाते थे, इन जीवाणुओं को उन्होंने दो भागों में रखा। ठीक है, जगत मोनेरा से उन्होंने दो भाग बनाए, दो जगत बनाए। पहले जगत का जो नाम है वो है जगत आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, जगत आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा जो जगत है वो है जगत यू बैक्टीरिया। पहला है जगत आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है जगत यू बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया और किंगडम यू बैक्टीरिया में किंगडम मोनेरा को बांट दिया। किसके आधार पर इन्होंने बांटा, क्या बेस माना क्या, अगर हम आधार मानते हैं, आधार कहते हैं, वो आधार कार्ड नहीं जो हम बनवाकर घर पर रखे हैं, वो आधार कार्ड नहीं। यहां पर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव है उनको वर्गीकृत करने का, क्लासिफाई करने का आधार, किस बेस पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, किस बेस पर हम जीवों को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, उस आधार की बात किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, देखिए तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति यानी कि सेलवाल, सेलवाल क्या होती है, में उन्होंने क्या किया, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की उपस्थिति, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति तथा कोशिका झिल्ली, झिल्ली का शाखा युक्त, कोशिका झिल्ली का शाखा युक्त होना या
फैक्टर कह सकते हैं होने के आधार पर, के आधार पर जगत मोनेरा को दो अन्य जगत में विभाजित कर दिया, दो अन्य जगत में विभाजित कर दिया गया। इतनी बात समझ गया बेटा कि जो हमारे जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म की कोशिका भित्ति जो होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकान की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, ठीक है, प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर, तथा उन्होंने क्या किया कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अंदर एक पतली सी लेयर पाई जाती है, पतली सी परत पाई जाती है जिसको हम कोशिका झिल्ली का नाम देते हैं, वो झिल्ली शाखा युक्त है, ब्रांच लाइक है या नहीं है, उसके बेसिस पर जीवों को यानी कि जगत मनेरा को दो भागों में बांट रहा है। नंबर एक पर आता है आर्की बैक्टीरिया और नंबर दो पर आता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। इस प्रकार से छह जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण हुआ। तो छह जगत वर्गीकरण पद्धति में कौन कौन से जगत आते हैं एक बार उसको फिर से देख लो, हमने एक बार बता दिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वापस से आप अलग से अटेंड करके देख लो। छह जगत वर्गीकरण पद्धति में आते हैं आपका नंबर एक पर जगत आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, जगत आर्की बैक्टीरिया, जगत आर्की बैक्टीरिया जिसको हम किंगडम आर्की बैक्टीरिया नाम देंगे। दूसरा आता है इसमें जगत यू बैक्टीरिया, जगत यू बैक्टीरिया यानी कि इसको हम नाम देंगे किंगडम यू बैक्टीरिया। देखो आर्की बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया हो, दोनों के अंदर जीवाणु ही आते हैं यानी कि बैक्टीरिया ही आते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका जगत प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। चौथे नंबर पर आता है जगत कवक यानी कि किंगडम फंजाई। पांचवें नंबर पर आता है आपका जगत पादप यानी कि किंगडम प्लांटी। एंड छठे नंबर पर आता है आपका जगत जंतु यानी कि किंगडम एनिमालिया। आई होप ये छह जगत पद्धति में आपने छह जगत का नाम जान लिया होगा। एक बार फिर से आप अंगुलियों की सहायता लेकर के अंगुलियों पर याद करेंगे हम, ठीक है, अंगुलियों की सहायता लेकर के अंगुलियों पर याद करेंगे हम। चलिए देखते हैं, सबसे आप नाम बोलिए, जगत आर्की बैक्टीरिया, जगत यू बैक्टीरिया, जगत कवक, जगत पादप, ठीक, जगत जंतु, एक छूट गया, फिर से देखिए। इन अंगुलियों पर अगर हम गिनेंगे तो हमको अच्छे से आ जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं जो छह जगत वर्गीकरण पद्धति में छह जगत है, उन छह जगत का नाम क्या है, देखिए जगत आर्की बैक्टीरिया, जगत यू बैक्टीरिया, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप और छठा जो होता है वो है जगत जंतु। फिर से एक बार उल्टा चलते हैं ना, जगत जंतु, ठीक है, जगत पादप, ठीक, जगत कवक, जगत प्रोटिस्टा, जगत यू बैक्टीरिया और जगत आर्की बैक्टीरिया। एक बार उल्टा, एक बार सीधा चलो, याद हो जाएगा, या फिर तीन दिन का ग्रुप बना करके याद करो, हो जाएगा। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ठीक। उसके बाद कवक पादप जंतु, जंतु पादप कवक, प्रोटिस्टा यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये छह जगत वर्गीकरण पद्धति के छह जगत है।
अब अगर हम यहां पर बात करते हैं वापस से थोड़ा सा एक बार देखते हैं तो छह जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किसने किया था बेटा, तो छह जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कार्लोस कैंडलर तथा विलिस। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के फादर कौन है, तो तीन वैज्ञानिक आ जाएंगे कार्लोस कैंडलर एंड विलिस। कब, तो 1990, ठीक है 1990 में किया था। बेस किसको माना था उन्होंने, तो बेस माना था पेप्टाइडोग्लाइकॉन की प्रेजेंस और अब्सेंस, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की उपस्थिति और अनुपस्थिति को उन्होंने आधार माना था कोशिका भित्ति के अंदर। और दूसरा उन्होंने बेस माना था कि जो हमारा कोशिका झिल्ली होता है यानी कि सेलवाल होता है, उस सेलवाल में शाखा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, ब्रांच पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, उसको बेस माना था। जिसके बेस पर उन्होंने क्या किया था, जो किंगडम मोनेरा है पांच जगत वर्गीकरण पद्धति का, जिसे आर एच विटेकर साहब ने बड़ी प्यार से बनाया है, उस किंगडम मोनेरा को इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, दो अलग अलग भागों में बांट दिया, जगत आर्की बैक्टीरिया और जगत यू बैक्टीरिया। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो छह जगत वर्गीकरण पद्धति है यानी कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो आपके इस छोटे से दिमाग में अच्छे से फिट हो गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।